हिंदुस्तान में सारे हिंदू जातियों के नाम पर संघर्ष कर रहे हैं, इनको सामाजिक तौर पर इकट्ठा एकजुट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या आप कहा अलग अलग जाति में अलग एक साथ कैसे? नारायण ऐसा है, सुनो भाई, है बैठिए, किसी भी स्वस्थ संतुलित प्रथा का कौन किसने प्रश्न किया? बैठिए बैठिए। किसी भी स्वस्थ संतुलित प्रथा का जो उपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी, दुरुपयोग से बचने की आवश्यकता है, सदुपयोग करने की आवश्यकता है। आँख और कान को एक करना संभव है क्या? और एक कर लेंगे तो आँख आँख रह जाएगी क्या, कान कान रह जाएगा क्या? नाक को और जीभ को एक करने की आवश्यकता है क्या? अगर करना करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वे सब व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं हैं। हथेली एक है, उंगलियां पांच हैं, उंगलियों की आकृति प्रकृति में भी भेद है। यह भेद जो है व्यवहार का साधक है, बाधक नहीं। शरीर के अंग प्रत्यंग में निसर्ग सिद्ध भेद है। यह भेद जीवन का साधक है, बाधक नहीं। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल में भेद है। यह जो भेद है वो व्यवहार का साधक है, बाधक नहीं। स्थावर जंगम प्राणियों की आकृति प्रकृति में भेद है। स्त्री पुरुष की आकृति प्रकृति में भेद है। स्त्री पुरुष की स्वर लहरी में भेद है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्वभाव के वैश्य शूद्र के स्वभाव में प्रभाव में भेद है। इन सब भेदों का सदुपयोग करने पर सुखमय जीवन की संरचना संभव है। भेद जो भी शास्त्र सम्मत हैं, जाति धर्मांश्च शाश्वता है, भगवद गीता का पहला अध्याय, जो जाति को मिटाना चाहते हैं उनको तो पहले अध्याय का भी कुछ ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? जन्म हो गया तो जाति उसके साथ है ही, जन्म से जाति होती है ना। जन्म ना हो तो जाति की प्राप्ति ना हो, जन्म से जाति की प्राप्ति होती है। कम से कम ब्राह्मण क्षत्रिय वैसा आप नहीं मानेंगे, शुद्ध तो मनुष्य जाति पशु जाति तो मानेंगे। आम में भी विविध प्रकार का भेद, विविध प्रकार की जाति तो आपके मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और समाज में कोई भी विभाग हो, वर्णाश्रम को नहीं भी मानेंगे तो शिक्षा रक्षा वाणिज्य सेवा तथा स्वच्छता के प्रकल्प को तो तैयार करना ही पड़ेगा, वैकल्पिक ढंग से सही। चुनाव के अवसर पर जो राजनीतिक दल जाति परंपरा का दुरुपयोग करते हैं उसको हटाने की आवश्यकता है। शासन तंत्र चाहे तो मेरे कथन को अपना सकता है। ये हिंदू होते हुए ब्राह्मण, हिंदू होते हुए क्षत्रिय, हिंदू होते हुए वैश्य, हिंदू होते हुए शूद्र, इस प्रकार हिंदू होते हुए लिंगायत, हिंदू होते हुए सिख, हिंदू होते हुए जैन, हिंदू होते हुए बौद्ध, सबकी सामान्य रीति से पहचान एक हो जाएगी। अवंतर भेद भी बना रहेगा। सोना है, सुवर्ण जिसको कहते हैं, सोना वो सामान्य चीज़ है, लेकिन उससे कटक मुकुट कुंडलादि आभूषण की संरचना होती है। अलग अलग जेवर आभूषण या पात्र अपना अलग अलग उपयोग भी रखते हैं। सामान्य की भी, सामान्य के बिना किसी भी वस्तु के अस्तित्व की रक्षा ही नहीं हो सकती है, और विशेष के बिना सामान्य की अधिक उपयोगिता नहीं हो सकती है। सामान्य और विशेष दोनों के सामंजस्य से स्वस्थ जीवन
राष्ट्र की संरचना संभव है। भगवान राम ने जो राज्य दिया उसका नाम राम राज्य, युधिष्ठिर जी ने जो राज्य दिया उसका नाम धर्म राज्य। उस समय जाति प्रथा थी या नहीं? जाति प्रथा सनातन विधा है, उसको न मानने पर शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में सुलभ ही नहीं हो सकते हैं। आजकल पूरे विश्व में शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प असंतुलित हैं, उसका कारण है सनातन विधा से वर्णाश्रम को न मानना। अब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस इत्यादि में जहाँ परंपरा से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं रह गए, उनकी लाचारी है कि वो वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तैयार करें। उस विकल्प का हम क्या करें, अनुकरण करके परंपरा प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को नष्ट कर दें, या बुद्धिमत्ता नहीं है या तो बुद्धि में एक बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने की आवश्यकता है। बौद्धिक उन्माद है यह, इस उन्माद को परखने और दूर करने की आवश्यकता है। देखिए ये भुजदंड है, किसी विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो, टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यों कर दो। निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड हैं, इसीलिए वैकल्पिक जो सैनिक होते हैं वो चमत्कार नहीं कर पाते। जो खानदानी सैनिक होते हैं, जहाँ परंपरा टूट गई वहाँ विकल्प से काम चलता है। ऐसी स्थिति में हमने संकेत किया स्वर्ण भस्म भी है, अगर स्वर्ण भस्म सुलभ नहीं है तो स्वर्ण माक्षिक के द्वारा गरीब रोगी की चिकित्सा कर देते हैं वैद्य, लेकिन सोना सोना ही है, स्वर्णमाक्षिक ही है। विकल्प जो होता है मूल के तुल्य नहीं हो पाता है। प्लास्टिक के फूल भी फूल होते हैं, सचमुच के पुष्प भी पुष्प होते हैं, लेकिन प्लास्टिक का पुष्प तो प्लास्टिक का ही पुष्प है, वो सचमुच का पुष्प नहीं है, भले ही उसकी आयु अधिक हो जाए। गुलाब का पुष्प तो 24 घंटे भी फ्रिज आदि में न रखें तो मुरझा जाता है। प्लास्टिक का गुलाब का फूल अधिक समय टिक सकता है, कीमत भी मान लो उसकी अधिक हो जाए, लेकिन गुलाब की अनुकृति है वह गुलाब तो नहीं है ना। इसीलिए सनातन जाति प्रथा को सुरक्षित रखने चाहिए, नहीं तो हिंदू के नाम पर क्या होगा। आज कहेंगे कि हिंदू हिंदू में रोटी बेटी एक करो, ठीक है, फिर और कोई सुधारक आएगा वो क्या कहेगा, भाई ये भी मनुष्य हम भी मनुष्य, फिर हिंदू तक क्यों सीमित हो। उसको संतोष नहीं होगा, समझ गए, उसको उसकी बुद्धि काम करेगी कि क्रिश्चियन भी मनुष्य हैं, मुल्ला जी भी मनुष्य हैं, अमुक भी मनुष्य हैं, पारसी, फिर मनुष्य मनुष्य में रोटी बेटी के संबंध में क्या आपत्ति। तीसरी पीढ़ी आएगी कि अरे भाई बंदर भालू भी तो प्राणी हैं, जंगम प्राणी हैं, ऐसी स्थिति में बंदरिया को बंदर को प्रशिक्षण दे दिया जाए, बंदरिया से कोई विवाह कर ले, कोई बंदर से विवाह कर ले, तब हम उदार सिद्ध होंगे। उदारता के नाम पर गड्ढे में ले जाएगी नई नई पीढ़ी। इसलिए शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार करने से सकल भेद भूमियों का सदुपयोग और निर्भेद परमात्मा तक मन की गति संभव है। मैं जो एक वाक्य बोल रहा हूँ, 10 नहीं 50 हज़ार पृष्ठ लिखिए वर्णाश्रम पर, उसकी उपयोगिता में एक पंक्ति में कह रहा हूँ, इस पर अनुसंधान चल सकता है विश्व में। शास्त्र सम्मत जितने भेद हैं प्रकृति प्रदत्त भेद का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक पहुंच सके, इस अभिप्राय से हम पूरे विश्व को मेरी ओर से चुनौती है, शास्त्र सम्मत सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत सम्मत भेद को आप मत स्वीकार करो। विश्व का कोई भी व्यक्ति या वर्ग भेद का सदुपयोग कर दे तो निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा दे संभव नहीं। इसीलिए दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों की पराकाष्ठा और तीनों में सामंजस्य हमारे यहाँ है। सनातन वैदिक सिद्धांत ऐसा नहीं है कि फूक मार करके उड़ा दे,
जाति प्रथा को समझने और उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, मिटाने की नहीं। लेकिन जाति के नाम पर उन्माद फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हाथ भी चाहिए शरीर के लिए, पाँव भी चाहिए, नाक भी चाहिए तो कान भी चाहिए, पेट चाहिए तो पीठ भी चाहिए, यहाँ तक कि मलमूत्र के त्याग के संस्थान भी चाहिए। हाँ, रामलाल के समान या कामलाल के समान मान लो मूत्रेंद्रिय में विकृति आ जाए तो ऑपरेशन कराओ, झंझट ही झंझट है। इसलिए सब अंग प्रत्यंग यथावत स्वस्थ रहें। अतः कोई विद्वेष मूलक नहीं है, घृणा मूलक नहीं है, कोरी भावुकता मूलक नहीं है। दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों धरातल पर सनातन जाति प्रथा अनुकरणीय है। उसमें अगर कोई प्रमाद से, प्रयोग में भूल से विकृति आ गई है तो विशेषज्ञों का यह दायित्व है कि उस विकृति को परख कर उसे दूर करें। जन सामान्य तो संस्कृति को विकृति समझ ले, विकृति को संस्कृति समझ ले, समझ गए। हमने श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक निर्णय दिया था। हमने कहा था जो भी यहाँ पर पर्व त्यौहार हैं, कितने अंशों में विकृति है, किसने अंशों में प्रकृति है, स्वस्थ परंपरा है, इसका निर्णय क्या कौन कर लेगा? क्या मुख्यमंत्री कर लेंगे उड़ीसा के, या गजपति जी कर लेंगे? संभव नहीं है। उसके लिए जो विशेषज्ञ हैं उनको पूछना पड़ेगा कि कितने अंशों में विकृति आ गई, कितने अंशों में संस्कृति। विकृति को दूर करना, संस्कृति को विकसित करना ये आवश्यक है। और कोई प्रश्न?